सिग्नेचर्स ये सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ इनिशियल्स। मेरा नाम सुधीर एल कोई, तो एस मेरा इनिशियल है, एल मेरे डैडी का इनिशियल है और कोवे मेरा सरनेम। तो अगर एस और एल ओवरलैप होते हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एस, जब मैं एस लिखता हूं तो सुधीर का एस वो आ जाता है और वो ये दर्शाता है कि एज अ बॉय मैं कैसा हूं, ये एस का काम है। एल दर्शाता है कि मैं एज अ फादर कैसा हूं या मैंने मेरे फादर को कैसे देखा, तो एल का वो काम है। तो जब एस और एल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, जब एस और एल ओवरलैप हो रहे हैं तो उसमें दो तीन सिनारियोज बनते हैं। पहला सिनारियो तो ऐसा बनता है कि एस का साइज एल से बड़ा है और एस और एल ओवरलैप हो रहे हैं। तो एस और एल ओवरलैप हो रहे हैं और अगर एस का साइज एल से बड़ा है तो कहीं ना कहीं मैं मेरे फादर को डोमिनेट करूंगा, मैं मेरे फादर को प्रेशराइज करूंगा और मैं मेरे सभी फादर्स फिगर के साथ यही व्यवहार रखूंगा। उसी कंडीशन में अगर दूसरा सिनारियो कंसिडर करते कि एल का साइज एस से बड़ा है और एस के ऊपर एल आ रहा है ओवरलैपिंग की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में मैं मेरे फादर को डोमिनेट ना करते हुए मेरे फादर मुझको डोमिनेट करते हैं। मैंने ये देखा है कि मेरे फादर डोमिनेटिंग है और मैं जब किसी का बॉस बनूंगा, मैं जब किसी का फादर फिगर बनूंगा, मैं जब किसी का फादर बनूंगा तो वो फादरली ड्यूटीज को करते समय मैं डोमिनेटिंग बन जाऊंगा। और नंबर सिनारियो नंबर थर्ड, तीसरा सिनारियो क्या होगा कि एस और एल का साइज सेम है लेकिन ओवरलैपिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फादर और बेटे में कश्मकश है, दोनों में जो चीजें चल रही है वो पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये साबित करने की कोशिश चल रही है कि कौन सी चीज, कौन सा इंसान ज्यादा बेहतर है या ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसी कंडीशन में देखेंगे आप कि कभी भी रिलेशनशिप जो है ओवरलैपिंग अगर आपके सिग्नेचर में है तो कहीं ना कहीं जो जो लेटर्स आपके सिग्नेचर में ओवरलैप हो रहे हैं वो लेटर जिन जिन चीजों को सिग्निफाई करता है वो चीजें आपके लाइफ में कतई अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, तो आज हमने बात किया ओवरलैपिंग ऑफ इनिशियल्स, ओवरलैपिंग ऑफ इनिशियल्स ऑफ योर फादर एंड योर सेल्फ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है जब आप देखते हो कि आपके फादर और आपकी मदर, मतलब आपका सरनेम का पहला लेटर जब ओवरलैप होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके बारे में कल बात करेंगे। Thank you very much for watching. If you like the video, make sure that you like, comment and share so that rest of the people also get to know about unique knowledge of signature. See you.